डिमांड फॉर ग्रांट रेलवे में बोलने का ये अपॉर्चुनिटी मौका दिया, इसके लिए आपसे मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पूर्वोत्तर राज्यों में मितार गैस ही चलाता था। सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम रेलवे से वंचित था और हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे इतिहास में सुनता था लेकिन कभी दिखाई नहीं देता था, ये रेलवे का हालत था और कांग्रेस राज में। आज स्पेशली मैं आपका माध्यम से रेलवे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 70 साल के बाद, इंडिपेंडेंस के 70 साल के बाद, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में पासीघाट में 1-2 साल में ब्रॉड गेज रेलवे कनेक्ट होने जा रहा है। मैं इसलिए ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑनरेबल चेयरमैन सर, पूर्वोत्तर राज्य एक नेग्लेक्टेड देश का एक हिस्सा था। रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी में, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज हमारा अरुणाचल प्रदेश में साइना बॉर्डर तक 2 लेन का रेल हाईवे हो गया है और हर प्रदेश में रेलवे से हर कैपिटल में जुड़ा जा रहा है। ये मोदी साहब का और रेलवे मंत्री जी का देन है। 2014 तक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेलवे बजट जो है 2122 हुआ करता था, आज 2024-25 में 10,369 करोड़ का रेलवे प्रोविजन दिया गया है। इसलिए मैं और पूर्वोत्तर में हर साल कांग्रेस का राज में 66.6 किलोमीटर ही बनता था, आज रेलवे मंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों में आज 172.8 किलोमीटर हर साल रेलवे बनाते जा रहा है और भारत देश से पूर्वोत्तर राज्यों को जुड़ना ये एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी से ही चेयरमैन होता है। इसलिए आज हमारा अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में रेलवे से जुड़ा गया, बालुकपुंग में रेलवे से जुड़ा गया और हमारा पासीघाट होम टाउन में रेलवे 2 साल के अंदर रेलवे कम्प्लीशन होगा। और आज मोदी जी के आने के बाद 12 प्रोजेक्ट को कमीशन हो गया और 1 इंच भी आज मितार गैस पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है। सारा सब को ब्रॉड गैस प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन हर रेलवे लाइन में हो गया है और साथ में अभी नेशनल प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब, मोदी जी के नेतृत्व में आज नेशनल प्रोजेक्ट मणिपुर में जिरीबाम से इम्फाल तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और नागालैंड में दोनसिरी से जुब्रा तक अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मिजोरम में बायराबी से सायरांग में अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सिक्किम में सिवोक से रांगपो तक अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। और इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य जो है मेन लेन से हर तरह से मोदी जी के नेतृत्व में और हमारा रेलवे मिनिस्टर का नेतृत्व में जुड़ रहा है। साथ में आज इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश में मुरकोंग से पासीघाट, असम में न्यू बोंगाईगांव से कामाख्या गुवाहाटी डबल लेन हो रहा है, डबलिंग लेन हो रहा है और असम में बोंगाईगांव से अंगरोती में हो रहा है और साथ में कामाख्या और न्यू गुवाहाटी में भी डबल लेनिंग और इलेक्ट्रिक पाइंग रेलवे लाइन में सारा सब डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए मैं रेलवे मिनिस्टर जी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज हमारा अरुणाचल प्रदेश में तेजपुर से बालुकपुंग रेलवे लाइन ऑलरेडी जुड़ चुका है, बालुकपुंग से तवांग तक रेलवे सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशंस, ये रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू में फिजिबिलिटी नहीं है लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत महत्वपूर्ण
एक प्रोजेक्ट है बालुकपुंग से तवांग तक रेलवे सर्वे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, इसको तुरंत जल्दी से कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ाया जाए। और सिलापतर से बामे और बामे से एलोंग काइंग तातो मेसुका साइना बॉर्डर तक रेलवे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। चार साल पहले चेयरमैन साहब साइना का प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश का उस पार निंचिंग में फ्लाइट से आके निंचिंग से लासा तक रेलवे से जा सकता है, तो हमारा मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट्स हमारा सामने ये बनते हुए हम देखना चाहता है। और मार्गरिता से देवमाली कानूबारी और दीमापुर तक चेयरमैन साहब ये रेलवे सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। मार्गरिता से देवमाली कानूबारी एंड दीमापुर तक ये असम और नागालैंड अरुणाचल पुठिल से एक रेलवे लाइन हो जाए तो ये देश का हित होगा चेयरमैन साहब। साथ में रुपाई तो परशुराम कुंड एक धर्म स्थान है और लाखों संख्या में पर्यटन आ जाता है उधर हर साल मकर संक्रांति में। वहाँ पहाड़ भी नहीं है, प्लेन एरिया है। उस परशुराम कुंड तक रुपाई से नामसाई सोकाम होते हुए परशुराम तक रेलवे लाइन सर्वे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट करें और करें मानवर समाप्त करें। चेयरमैन साहब समाप्त करूंगा, मैं अरुणाचल प्रदेश से इतना दूर आया हूँ यही बोलने के लिए एक मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ। और परशुराम कुंड से तेजू रोइंग और पासीघाट में जुड़ा जाना चाहिए और पासीघाट से टूटिंग जो साइना बॉर्डर तक बाया मारियांग एन इंक्योंग होते हुए बनाना चाहिए, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। चेयरमैन साहब आपको मैं एक बिंदु बताता हूँ, ब्रिटिशर्स ने दिग्बोज से रीमा तक हवालोंग से आगे रीमा जो अभी साइना ऑक्यूपेशन में है रीमा तक ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया था रेलवे जुड़ने के लिए। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि परशुराम से वालोंग तक भी हमको रेलवे लाइन जुड़ना चाहिए। ये डिफेंस एंड पैरामिलिट्रीज आर्टिलरीज एंड आर्मी और पैरामिलिट्री मूवमेंट के लिए ऐतिहासिक जगह है वालोंग जो 1962 में लड़ाई हुआ था। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा जो भी सर्वे पूर्वोत्तर राज्यों में होगा ये नेशनल प्रोजेक्ट्स में लाना चाहिए, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट के हिसाब से ये वायबिलिटी नहीं है इकोनॉमिकली, इसमें हम मार्क आ जाता है। और साथ में ये मैं कहना चाहूँगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है मणिपुर जिरीबम इम्फाल जो रेलवे लाइन है उसको हम मोरे तक ले जाना चाहिए, क्योंकि एक इस पॉलिसी के आधार पे मोदी साहब का सपना है, हमारा भारत देश का सपना है कि पूर्वोत्तर राज्यों से साउथ ईस्ट एशियंस को कनेक्ट होने के लिए जिरीबाम इम्फाल और मोरे तक हमको एक्सटेंशन इसको चाहिए। साथ में मेघालय का मंदीपतर से तुरा तक रेलवे कनेक्शन होना चाहिए। तुरा हमारा फॉर्मर स्पीकर पीए सांगमा साहब का जगह है, बर्थ प्लेस है, वहाँ तक भी हमको रेलवे ले जाना चाहिए। और असम में कोकराझार टू गेलेपु ये भूटान हमारा अच्छा मित्र है, कोकराझार से गेलेपु भूटान बॉर्डर तक हमारा रेलवे जाना चाहिए, ये भूटान के लिए भी अच्छा होगा और हमारा बोरो वायु के लिए भी अच्छा होगा। साथ में धन्यवाद मानवर बंद करें सर, मैं चेयरमैन साहब एक बिंदु है माफ करें एक बिंदु है वेस्ट कार्बी में कार्बी एंगलोंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में और कार्बी उग्रवादियों का साथ एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ था। उस सेटलमेंट में ये था कि जागीरोड से दोनकम लामदिंग तक उस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में 13 पॉइंट है, उस एग्रीमेंट को भी ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर इस चीज़ को भी टेकअप करें।
और अंत में मैं कहना चाहूँगा, डिब्रूगढ़ दिल्ली जो राजधानी ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक से जो जाता है, धेमाजी में हमको स्टॉपेज चाहिए, क्योंकि अरुणाचल का 9 डिस्ट्रिक्ट धेमाजी होते राजधानी का सुविधा मिल सकता है। और साथ में और दीपू, हमारा जो दिल्ली एक्सप्रेस राजधानी में असम दीपू कार्बियांगलोंग में ये कोविड से पहले स्टॉपेज हुआ करता था, लेकिन राजधानी वहाँ स्टॉपेज नहीं है, वहाँ भी स्टॉपेज चाहिए। और हमारा असम और अरुणाचल बॉर्डर में डिमू और डेकापाम में मीटर गेज में रेलवे स्टेशन हुआ करता था, असम और अरुणाचल उसको यूज करता था, ब्रॉड गेज होने का बाद उसमें स्टॉपेज नहीं है। तो इसलिए रेलवे मिनिस्टर जी से मैं कहूँगा इसमें स्टॉपेज चाहिए, समाप्त करें। करता हूँ सर। और हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्कुल है असम और अरुणाचल बॉर्डर होते हुए सेरेन में, हमको ये आरयूबी और आरओबी चाहिए, नहीं तो वहाँ लोगों को जाने के लिए रेलवे के तरफ से तकलीफ देता है, इसलिए इसमें आरओबी या आरयूबी इसमें चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब, ये जो पासीघाट में हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है चेयरमैन साहब, आपका यूपी और बिहार के लोग भी वहाँ बहुत है बिजनेस में, उसमें कोस मेंटेनेंस पासीघाट में रेलवे मिनिस्टर से मेरा ये मांग है, पासीघाट में कोस मेंटेनेंस का भी अभी से शुरू किया जाए तो आने वाला काल अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बंद करें, हाँ मैं समाप्त करता हूँ। जो भी पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे प्रोजेक्ट होगा उसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके आप आगे बढ़ाइए, ये देश का हित के लिए आपने मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद।